तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है खोपरा पाक। ये देखिए इसके पीसेस पूरे सॉफ्ट और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलो मिलके बनाते हैं। यहाँ इस बाउल में हमने 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट हमने लिया है। ये नारियल का बुरादा होता है, इसे खोपरा भी कहा जाता है। तो आज हम बनाएंगे इसी से खोपरा पाक। ये देखिए यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक कढ़ाही रखा है। इस कढ़ाही में हमने एक कप दूध ऐड किया है। ये 250 ml दूध है, जो एक कप होता है ये 250 ml का होता है। तो इसमें हमने 250 ml दूध ऐड किया है। तो पहले हम दूध को गर्म कर लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे ये दूध उबल गया है। अब इसमें हम पहले शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर हम इसमें एक कप ऐड करेंगे, जिससे वजन में 200 ग्राम, जितना हमारा कोकोनट बुरादा हमने वेट करके दिया है उतना ही इसमें हमने शुगर ऐड किया है। इस कप में शुगर अच्छी तरह भर दिया जाए तो ये 250 ग्राम हो जाता है, लेकिन हमने पूरा अच्छी तरह नहीं भरा है, ये 200 ग्राम हमने शुगर ऐड किया। अब इस शुगर को दूध में अच्छी तरह हम मेल्ट हो जाने देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह जब ये मेल्ट हो जाता है और ये थोड़ी देर तक पकता रहता है, तब हम इसमें केसर वाला दूध ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़े से दूध में हमने, ज़्यादा नहीं, ये दूध हमारा 20 ml तक होगा। और इसमें हमने भिगो के रखा था केसर, जब इसका कलर उतर जाता है केसर का, तब इसमें हमने ऐड कर दिया। ये देखिए और ये यहाँ तक थोड़ी देर तक ये पकता रहता है, मतलब ये दूध जो हमारा है ये हाफ हो जाता है, तब हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने 200 ग्राम वेट करके रखा था इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें हम पकाते हैं। ये देखिए इस तरह जब हम पकाते रहते हैं तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, मुलायम भी हो जाता है, तब ये खोपरा पाक की बर्फी जो हमारी बनती है ये बहुत टेस्टी बन जाती है। इसको अच्छी तरह कोकोनट को इस तरह हम पका लेते हैं। ये देखिए मीडियम सेक पे इसको हम देर तक इस तरह हम सुखाते जाते हैं। इसमें देखिए हमने 1/4 कप में थोड़ा सा मलाई रखा था, मतलब ये ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच मलाई है। यहाँ थोड़ा मलाई आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, हमारे पास कम था तो हमने कम ऐड किया है। इससे हमारी जो बर्फी बनती है ये बहुत सॉफ्ट अंदर से बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। अब यहाँ खोपरा पाक की बर्फी में आप मिल्क पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो, या आपके पास खोया है तो खोया भी डाल सकते हो। यहाँ 1/4 कप हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, ये 25 ग्राम हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है। इससे ये होता है कि हमारी बर्फी बहुत टेस्टी बन जाती है, मावा जैसा टेक्सचर आ जाता है और ये बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ आपके पास खोया है तो खोया डाल सकते हो, इससे हमारी बर्फी बहुत टेस्टी बन जाती है। मतलब आप जान लीजिए मिल्क पाउडर ऐड किया और खोया ऐड किया एक ही बात है, तो इससे हमारी बर्फी पूरा मावा का टेक्सचर आता है और ये बर्फी बहुत टेस्टी बन जाती है। और इस तरह ये देखिए हमने मिल्क पाउडर को मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इसमें हमने कलर भी ऐड किया है। कलर जो हमने ऐड किया है येलो हमने थोड़ा सा लगाया, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा हमने कलर ऐड किया है। अब यहाँ हमने मिक्स करके इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और 1/4 कप इसमें हमने शुद्ध घी ऐड किया है। इससे ये होता है कि हमारी बर्फी पूरी अंदर से सॉफ्ट होती है। अगर आपके पास मलाई ज़्यादा हो, जैसे आपके पास 1/2 कप मलाई है, तो आप घी भी नहीं ऐड कर सकते हो, आप सिर्फ मलाई ऐड कर दीजिए तो आपकी बर्फी पूरी सॉफ्ट बनेगी। तो हमारे पास मलाई बहुत कम था इसलिए हमने यहाँ शुद्ध घी ऐड किया है। शुद्ध घी से हमारी जो बर्फी बनती है ये बेहद टेस्टी बनती है और अंदर से पूरे सॉफ्ट भी होती है। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया, अच्छी तरह ये गोली बनने की अवस्था में आ गई है, अच्छी तरह हमने सुखा लिया है। अब ये देखिए थोड़ी देर हम दूसरे चूल्हे पर रख के इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम थोड़ी देर हम घुमा के इसको ठंडा कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरह जब ये गोली सी बनने लगती है, पूरी गोली में हो जाती है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी ऐड किया और इसमें शुद्ध घी भी ऐड किया, जब ये ठंडा होती है तो इस तरह गोली सी बनने लगती है, मतलब ये बर्फी जो हमारी है अच्छी तरह जम जाएगी। अब इसको हम एक ट्रे पे प्लेन कर देते हैं। ट्रे में आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए या आप शुद्ध घी से ग्रीस कर लीजिए और इस तरह हम बर्फी को प्लेन कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा खोपरा पाक वाली बर्फी बिल्कुल कंप्लीट है। इस पर आप बर्क लगाना लगा दीजिए, नहीं लगाना तो आप बर्क के बगैर भी बर्फी हमारी पूरी टेस्टी रहेगी। उसके बाद इसके ऊपर आपके पास ड्राई फ्रूट है बारीक बारीक काट के, और इसके ऊपर डाल दीजिए, बस हमारी बाजार जैसी खोपरा पाक की बर्फी बनके तैयार है।
बस इसको हम 2-3 घंटे के बाद कट कर देते हैं। 3 घंटा इसके लिए बहुत होता है, 3 घंटे में अच्छी तरह ये जम जाती है। ये देखिए इस तरह ये पूरी टाइट हो जाती है। अब इसको हम कट कर देख रहे हैं, तो बस आपको जो शेप में काटना, जैसे चौरस पीस होता है, कोई तिकोने आकार का पीस होता है, या लंबे पीस होते हैं, जैसे भी पीस में आप इसको कट कर सकते हो। ये देखिए वैसे ज़्यादातर ये चौरस पीस में अच्छा लगता है, तो इस तरह हम चौरस पीस कट कर देंगे। और ये देखिए दूसरी तरह से भी हम कट कर देते हैं जिससे ये चौरस बन जाता है। अब ये हमारे खोपरा पाक की बर्फ़ी कंप्लीट तैयार है, और ये अच्छी तरह जमी हुई है और पूरी सॉफ्ट बर्फ़ी है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सारा हमने कट कर दिया, अब ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल कंप्लीट है। तो बस इसके पीसेज हम अलग अलग करके और एक प्लेट में जोड़ देते हैं जिससे हम सर्व कर सकें। तो ये देखिए इस तरह की बर्फ़ी पूरी अंदर से सॉफ्ट भी बर्फी है और वो ये बहुत टेस्टी बर्फ़ी। ये देखिए पूरी पीसेज भी अच्छी तरह साफ़ सुथरे हमारे बनके तैयार हैं और ये अंदर से पूरी सॉफ्ट है। तो इस तरह की बर्फ़ी आप आसानी से अपने घर में बना सकते हो। और ये देखिए इस तरह की बर्फ़ी और हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, तो हमारे चैनल पे बहुत से कोकोनट की बर्फ़ी हमने बड़ी क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में बहुत अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। ये देखिए तो इस तरह खोपरा पाक की बर्फ़ी टेस्टी तैयार है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सोप है तो इसी मेजरमेंट से आप अपने सोप पे भी बर्फ़ी बना सकते हो। बस मलाई की जगह पे आप घी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मलाई सोप पे जल्दी इतना नहीं होता है कि आप मलाई ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आप घी ऐड कर दीजिए, आपकी बर्फ़ी पूरी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। अपने सोप पे आप सेल भी कर सकते हैं मेरी तरह। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उस पे भी हमें फॉलो कर सकते हो।